हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग नमस्कार आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फ्रेंड्स इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्यों पड़ा क्योंकि वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अग्रीमेंट के बिना रॉन्ग होता है अगर वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करेगी तो इनका रिलेशन टूट जाएगा और सेंटेंस रूपी फैमिली नष्ट बिखर जाएगी फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक में जो मेन चीज आपको समझना है फ्रेंड्स वो ये है कि इसमें ये देखो ये जो सिंगुलर वर्ब मैं इसको एस वर्ब बोला करूंगा सिंगुलर वर्ब का मतलब एस वर्ब जिस वर्ब में एस का यूज हो रहा है देखो ये सिंगुलर वर्ब है एस वर्ब एस वर्ब जिनमें एस का यूज जिसे एस वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ये एस वर्ब है और ये जो है थर्ड पर्सन सिंगलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगी बाकी हर जगह अब जैसे इसका प्लूरल वर्ब क्या है आर का प्लूरल रिमूव कर दो अब ये कब यूज होते हैं जब फर्स्ट पर्सन हो सेकेंड पर्सन हो प्लूरल हो थर्ड पर्सन प्लूरल बाकी हर जगह प्लूरल वर्ब ये यूज होंगी और ये कब यूज होंगी थर्ड पर्सन सिंगलर सब्जेक्ट के साथ एस वर्ब का यूज होता है सिंगुलर वर्ब का यूज होता है जिसमें एस आता है उसी को एस वर्ब कह रहा हूं मैं फ्रेंड्स जिनको एस इज वॉज इस एस को देखो इज वॉज डज एस या ई एस एस, या, yeah, yes. ये थर्ड ये सिंगलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगलर सब्जेक्ट के साथ ये यूज होते हैं ये याद रखना तो इस टॉपिक में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रही है कि नहीं कर रही है इसी पर पूरा फोकसड होगा लेकिन ये पढ़ते पढ़ते हम नाउन के डेफ्थ में चले जाएंगे कि ये अनकाउंटेबल काउंटेबल मटीरियल नाउन और ढेर सारे के प्रॉपर नाउन ये ढेर सारे से कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन ये ढेर सारे नाउन के जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर अब सीधे मैं आता हूँ इस सेंटेंस में देखो ये देखो ये सब प्रेपोजिशन है कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए देखो ये सेंटेंस को पहले हम जो है सॉल्व करते हैं देखते हैं कि इसमें क्या है इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं राम अलोंग विद ये अलोंग विथ प्रेपोजिशन है फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है तो इस प्रेपोजिशन ने फादर को क्या बना दिया ऑब्जेक्ट और हिज तो बीच में क्या है पॉजिटिव डिटर्मिनर है पॉजिटिव डिटरमिनर इस प्रशन ने फादर को ऑब्जेक्ट बना दिया तो अब सब्जेक्ट क्या है राम और राम है, 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 है और और है 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 का मतलब ये नहीं नहीं तो इस केस में एस वर्ब का यूज करेंगे मतलब हैव नहीं का यूज होगा और यहां वर्ब, वर्ब पर गॉन क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो राम अलोंग विथ हिस्स फादर हैज़ गॉन टू द मार्केट ये हैज करेक्ट है और हैप क्या है इनकरेक्ट है फ्रेंड्स एक और बात अगर कॉमन इससे देखें कॉमन लॉजिक से देखें देखे, तो यहाँ पर जाने वाले दो लोग हैं एक राम है और एक क्या है उसके फादर है तो ये दो लोग हो गए Plural हो गए तो उसके अकॉर्डिंग अगर कॉमन लॉजिक लगाएं तो यहां पर गॉन का यूज होना चाहिए लेकिन बी वॉचफुल बी अलर्ट बी कॉशस हमेशा चौकन्ना रहिए कि यहां पर फादर को कंसीडर ना करें सब्जेक्ट फादर यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट है इसलिए सिंगलर सब्जेक्ट के साथ ये एस वर्ब का यूज कर दीजिए प्रेजेंट में आई विद माई फ्रेंड्स अब देखो, friends क्या है प्लूरल है तो इस ये मान लो, अगर इसको plural subject consider करते हुए का कर दोगे तो wrong हो जाएगा friends. क्यों? कि ये जो friends है, यहां subject नहीं, With ने इसको ऑब्जेक्ट बना रखा है और माय तो क्या है डिटरमिनर है इस पीओन ने इसको क्या बना रखा है ऑब्जेक्ट तो अब सब्जेक्ट के पोजिशन पे क्या है आई है अब आई के लिए फ्रेंड्स आर का यूज नहीं होगा इसका भी यूज नहीं होगा यहाँ पर किसका यूज होगा एम का यूज होगा आई with माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू द सिनेमा गोइंग टू द सिनेमा देखो ये देखने में लग रहा है कि ये रॉन्ग है लेकिन आप फर्म रहिए अपने पे फर्म रहिए जब तक आपको अपने कॉन्सेप्ट फर्मनेस नहीं आएगी आप रॉन्ग आप सेंटेंस को रॉन्ग ऑप्ट कर देंगे प्लीज ये याद रखना किस इस प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना रखा है नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस यू अब देखो सेकंड पर्सन with हर इस प्रीपोजिशन ने हर को तो ऑब्जेक्ट बना दिया ये सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन के साथ एस वर्ब का यूज नहीं होता अब ये आर और हैव दोनों एस वर्ब नहीं है तो यू हैव के साथ भी यूज हो सकता है और यू आर के साथ भी यूज हो सकता है अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं तो देखो यहां पर आईएनजी वर्ब आ रही है तो आईएनजी वर्ब हेल्प के साथ यूज नहीं होगी है तो थर्ड फॉर्म बना देगा इसको इसका मतलब आईएनजी वर्ब है इसलिए आर को यूज करो यू विद हर आर ट्राइंग टू हार्म मी इसका मतलब उसके साथ तुम मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहे हो इलेवन प्लेयर्स बिसाइड्स ये देखो बिसाइड्स एस है इस बिसाइड्स का मतलब क्या है प्लस इस प्लस का मतलब क्या है इस विद विद इस का मतलब क्या है ये इसका मतलब होता है बिसाइड्स का मतलब है अपार्ट फ्रॉम मतलब इंक्लूडिंग ये प्लस का सेंस दे रहा है ये इंक्लूडिंग का सेंस दे रहा है फ्रेंड्स कि हम अपने इस चीज में कोच को भी इंक्लूड कर, कर रहे हैं इंक्लूड करते हुए इन एडिशन टू बिसाइड्स इन एडिशन टू प्लीज बीसाइड्स ये प्रपोजिशन और इसका मतलब क्या है इन एडिशन टू फ्रेंड्स एडिशन क्या करता है ऐड करता है इसलिए मैं इसको बिसाइड्स को प्लस का सेंस प्लस का सेंस देता है ऑब्जेक्ट को प्लस करता है और जो एक्सेप्ट होता है फ्रेंड्स एक्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट को क्या करता है माइनस इसका मतलब है नॉट इंक्लूडिंग Not including, include not करते हुए ये माइनस एक्स का मतलब क्या है बाहर आप थिएटर में जाते हैं फिल्म देखने तो एग्जिट से आप बाहर जाते हैं एग्जिट तो तो का मतलब क्या है बाहर तो इसी से बना एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो है ये कह रहा है कि हम इस चीज को इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको ये कंसीडर नहीं करता है माइनस कर देता है और बिसाइड्स प्लस कर देता है फ्रेंड्स याद रखना और एक्सेप्ट का मीनिंग कौन देता है अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दोनों का फ्रेंड है अपार्ट फ्रॉम यह देखो आपको बहुत अजीब लगेगा लेकिन अपार्ट फ्रॉम बिसाइड मतलब प्लस का भी सेंस और माइनस का भी सेंस दोनों सेंस देता है फ्रेंड्स नोट इट डाउन बिसाइड बिसाइड का मतलब है साइड में बगल में बिसाइड इसका मतलब है कि आप किसी के साइड में जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी ही सिटिंग वो बैठा था ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी अब मेरे साइड में इन माई साइड बिसाइड मी ये ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन है एस रिमूव कर दिया देखो एस नोटिस कीजिए एस रिमूव कर दिया अब इसका मतलब है साइड में बगल में टू योर साइड बिसाइड मी का मतलब है टू माय साइड टू माय आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड आइदर द लेफ्ट साइड और द राइट साइड ये सेंटर बिसाइड मी he was sitting beside me वो मेरे बगल में बैठा था फ्रेंड्स यही सब सीख करके आपको आगे बढ़ना है ये देखो बिसाइड्स इन एडिशन टू अपार्ट फ्रॉम दोनों जगह यूज कर दो बिसाइड्स एस रिमूव करते ही मीनिंग बदल गया मेरे साइड में टू माय साइड बिसाइड मी का मतलब क्या है टू माय साइड बगल में ओके फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन ओके प्लीज का इलेवन प्लेयर्स तो ये ऐसा है इसका मतलब ये प्लस का सेंस है इंक्लूडिंग इन एडिशन टू कोच के साथ साथ इलेवन प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफीट हार के लिए अब यहां हमें वर्ब यूज करना है रिस्पॉन्सिबल वॉज आर हैड फ्रेंड्स अगर कोच को मैं सिर्फ देखूंगा सब्जेक्ट कंसीडर करूंगा तो एस वर्ब लगाऊंगा थर्ड पर्सन सिंगल एस वर्ब लेकिन फ्रेंड्स यहां पर कोच तो ऑब्जेक्ट है और देर क्या है ये डिटर्मिनर है तो सब्जेक्ट कौन है प्लेयर्स प्लूरल ये इलेवन क्या है डिटर्मिनर तो प्लेयर्स क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है इसके लिए अब एस वर्ब का यूज नहीं करेंगे अब आर और हैड हैड जो है पास्ट वर्ब है ये सिंगलर प्लूरल किसी के साथ भी यूज हो सकती है तो हैड भी प्लेयर्स के साथ यूज हो सकती है और आर भी यूज हो सकती है अब मैं कंफ्यूज हो गया अब मैं किसका यूज करूं तो यहां थ्री वर्ड का कॉम्बिनेशन देखो रिस्पॉन्सिबल क्या है एडजेक्टिव एडजेक्टिव हेड के साथ अग्री नहीं करेगा बी ए बी प्लस एडजेक्टिव तो यहां पर क्या आएगा Eleven players besides their coach are responsible for the defeat हार के लिए क्या हैं responsible हैं okay friends R का use the coach like his players friends ये like का मतलब है similar to एक होता है like का मतलब पसंद करना like वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब तो इसका मतलब किसी को पसंद करने का सेंस और लाइक like प्रेपोजिशन भी है फ्रेंड्स जब ये प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब है सिमिलर टू किसी के जैसा ये प्रेपोजिशन सिमिलर टू किसी के क्या है जैसा है ओके okay फ्रेंड्स अब यहां पर देखो ये लाइक like का मतलब पसंद करना नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि वर्ब ये नहीं वर्ब यहां है तो फिर ये क्या है प्रेपोजिशन फिर हो जाएगा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको हम वर्ब कंसीडर करें या प्रेपोजिशन कंसीडर करें तो टीचर ये बताना चाह रहा है कि वर्ब की पोजीशन यहां है इसका मतलब ये प्रेपोजिशन के रोल में है सिमिलर टू के जैसे प्लेयर के जैसे तो इस प्रेपोजिशन ने प्लेयर्स को क्या बना दिया ऑब्जेक्ट और यहां सब्जेक्ट क्या है कोच आप याद रखो कि नाउन का यूज या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट तो फ्रेंड्स यहां पर ये प्लेयर्स को अगर मैं सब्जेक्ट कंसीडर करूं तो मैं एस वर्व इनको हटा करके क्या यूज कर दूं वर वर का यूज कर दूं हैड भी हो सकता था क्योंकि हेड तो सिंगलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है लेकिन फ्रेंड्स यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लेयर्स नहीं है सब्जेक्ट क्या है कोच है सिर्फ क्योंकि प्लेयर्स को लाइक ने क्या बना रखा है ऑब्जेक्ट और हिस क्या है पॉजिशिव डिटर्मिनर ये प्रोनाउन नहीं है डिटरमिनर है अब यहां पर वॉस का ऑप्शन रिजेक्ट सॉरी अब यहां पर वर का ऑप्शन रिजेक्ट होता है अब दो ऑप्शन रिमेनिंग वॉज एंड है दो ऑप्शन हमारे पास है head साथ यूज हो सकता है तो मैं आगे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मैं हेड का यूज कर दूं, या, work, आ, या कोई है, वॉच का यूज करो क्योंकि वॉच भी वर्ग थर्ड के साथ यूज होता है head भी यूज होता है अब मैं कंफ्यूज हो गया फ्रेंड्स सेंटेंस का सेंस कीजिए कि विक्ट्री से ओवर ज्वाइड हो गए तो ओवर ज्वाइड जो है अपना इफेक्ट किस पे डालेगा सब्जेक्ट पे पीछे एक्शन पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा बी थ्री मतलब पैसिव इसलिए ये पैसिव है या इसको एडजेक्टिव समझो तो एडजेक्टिव का यूज हेड के साथ नहीं बी के साथ होता या तो पैसिव कंसीडर करो या एडजेक्टिव कंसीडर करो दोनों ही केस में बी का यूज यहां पर होगा इसलिए यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स वॉज Overjoyed with the wife ये अब देखो राम kya hai determiner ab हो गया his क्या है? Determiner. अब subject क्या है राम है सिर्फ अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं तो देखो आर तो रॉन्ग है क्योंकि थर्ड पर्सन singular के साथ आर होगा नहीं है यूज होगा नहीं एस वर्ब का यूज करो अगर प्रेजेंट है तो इज अब यहां पर इज़ का यूज़ कर रहा हूं इज एक्सपेक्टेड अब बी प्लस वर्ब की थर्ड ये एक्शन किधर जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में इज एक्सपेक्टेड मतलब राम को यहां को का सेंस लो राम को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आएगा कम टू द पार्टी किसके साथ विद वाइफ अपने वाइफ के साथ ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा इज एक्सपेक्टेड एक स्टूडेंट कह रहा हैज एक्सपेक्टेड याद करो हैज एक्सपेक्टेड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इज इसको बैकवर्ड हम एक्सपेक्ट राम को कर रहे हैं कि वो आएगा अपने वाइफ के साथ तो इसलिए फ्रेंड्स पैसिविटी यहां पर आ रही है सेंस ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी टी थ्री और ये इंफ्रेटिव वर्ब है

अगर पार्टी पर्पज के रूप में दिखाना तब फार का यूज हो सकता यहां है यहां पार्टी जो प्लेस है वेन्यू है वहां पहुंचना है मैं द पुलिस अब देखो दैट क्या है कंजंक्शन है फ्रेंड्स कंजंक्शन का मतलब क्या होता है जंक्शन होता है जंक्शन किसका होता है दो सेंटेंसेस का होता है तो यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट ये है और इसका वर्ब ये है और सेकंड सब्जेक्ट ये तो डिटरमिनर है सम यहां पर सेकंड सब्जेक्ट ये है और इसका वर्ब यहाँ पे है फ्रेंड्स एज वेल एज एज वेल एज ये यहाँ पर प्रेपोजिशन के रूप में कंसीडर किया जाता है 90% परसेंट केसेस में ये प्रेपोजिशन ही की तरह बिहेव करता है तो एज वेल एज अगर ये यह एज यह यहाँ पर एज प्रेपोजिशन है तो पॉलिटिशियन को क्या ये मानेगा ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट क्या है क्रिमिनल्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट क्रिमिनल्स प्लूरल सब्जेक्ट है अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस वाले वर्ब रिजेक्ट एस वाले वर्ब हैं ये रिजेक्ट हो जाएंगे तो अब हैव का यूज किया अब हैव किडनैप्ड अब ये एक्शन किस पे हो रहा है चाइल्ड पे हो रहा है यहाँ को का सेंस तो अब इसका सेंस क्या है कि पुलिस वालों अब देखो यहां का अग्रीमेंट देखो यहां पर पुलिस सिंगलर दिख रहा है तो यहां पर ऐसा होना चाहिए लेकिन बताते हुए खुशी हो रही है कि आप पुलिस का मतलब पुलिस के लोग हैं पुलिस वाले जब पुलिस का मतलब द पुलिस का मतलब पुलिस वाले हो तो प्लुरल वर्ग और जब द पुलिस का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है तो सिंगलर वर्ब यहां पुलिस वालों को शक है ये कंसीडर कर रहा है पुलिस वाले पीपल पुलिस वालों को शक है अब यहां एस का यूज नहीं होगा पुलिस वाले सस्पेक्ट शक करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है दे हैव डाउट्स पुलिस सस्पेक्ट का मतलब द पुलिस हैव डाउट्स दैट की ये कंजंक्शन है कि सम क्रिमिनल्स एज वेल एज पॉलिटिशियंस अब यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स हैव का यूज होगा हैव किडनैप्ड अ तो हमने ये सीखा फ्रेंड्स कि एज वेल एज को अभी इस पर और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा डिटेल में या अभी फिलहाल के लिए एज वेल एज को ये आप प्रेपोजिशन की तरह ट्रीट करते हुए और इसका मतलब एंड की तरह एंड एंड क्या करता है प्लस करता है या एज वेल एज का मतलब क्या है बिसाइड्स एंड प्लस आल्सो ये सेंस देता है तो ये भी का ही सेंस देता है ये बिसाइड्स की तरह बिहेव कर रहा है बिसाइड्स इसका मतलब है इन एडिशन टू इन एडिशन टू ओके फ्रेंड्स तो यहां पर हैव का यूज करिए ही एज वेल एज प्रपोजिशन अब देखो मैं अगर ब्लाइंडली इसको करूंगा तो पेरेंट्स में एस को देख कंसीडर करते हुए प्लूरल कंसीडर करते हुए प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करूंगा तो एस वर्ब नहीं यूज होंगे फिर मैं यहां पर हैव लगा दूंगा हैव का यूज कर दूंगा फ्रेंड्स और ये रॉन्ग हो जाएगा क्यों कि हमें वी हैव टू बी वॉचफुल एज वेल एज ये प्रिपोजिशन और पेरेंट्स ऑब्जेक्ट और हिज क्या है डिटर्मिनर यहाँ सब्जेक्ट क्या है थर्ड पर्सन सिंगलर ही सब्जेक्ट है ही के साथ प्रेजेंट में एस वर्क ये क्या है हैज अब मैं कंफ्यूज हो गया पापा कि हैज़ यूज करूँ या इज क्योंकि ही दोनों के साथ अग्री हो रहा है अब मैं क्या करूँ तो थ्री वर्ड्स को देखो सब्जेक्ट को देखो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद क्या रहा एक्सेप्टेड फ्रेंड्स अगर इज एक्सेप्टेड यूज करोगे तो इज एक्सेप्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन में ही पे एक्शन करेगा और हैज एक्सेप्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोजल पे एक्शन करेगा प्रोपोजल प्रोपोजल ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और हर यहां पर क्या है पजेसिव डिटरमिनर है तो आप बताएं फ्रेंड्स कि आपको प्रोपोजल आपको एक्शन किस पे करना है ही पे और ही के साथ क्या सेंस आ रहा है ने उसने इसका मतलब ये एक्शन कर रहा है एक्टिव सब्जेक्ट है तो उसने एक्सेप्ट किया किसको प्रोपोजल को एक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेंड करना है फ्रेंड्स और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्शन सेंड करना है तो आप याद रखो बी प्लस थर्ड नहीं हैच प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी तो बैकवर्ड पैसिव बना देगा इसको तो अब इसका मतलब क्या होगा उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसने एक्सेप्ट कर लिया है उसके प्रपोजल को ओके फ्रेंड्स डू हैव एनी डाउट्स फ्रेंड्स अभी तक का ये जो सेंटेंस है एट या नाइन अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं पहले आप इधर देखो द चेयरमैन हिज बोर्ड मेंबर्स हैव अग्रीड अब यहां पर स्ट्रक्चर का देखो इस सेंटेंस की थीम क्वेश्चन की थीम चेंज कर दी अब यहां पर प्लूरल वर्ब हैव लगा है या का यूज नहीं कर रहा है इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है प्लूरल वर्ब ये है इसका मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए अब यहां चेयरमैन देखो चेयरमैन ये सिंगलर है तो इसका मतलब है कि इस चेयरमैन के साथ ये बोर्ड मेंबर्स को भी कंसीडर करो तो यहां पर हम क्या यूज करें फ्रेंड्स अब एज वेल एज यूज करें तो एज वेल एज तो प्रपोजिशन हो जाएगा अगर मैं एज वेल एज को यहां यूज करता हूं तो ये प्रपोजिशन मेंबर्स को क्या बना देगा ऑब्जेक्ट तो अब सब्जेक्ट सिंगलर हो जाएगा सिंगलर सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैस का यूज होगा हैस का क्या करने से एज एज well क्योंकि एज वेल एज को अभी तक जो मैंने डिस्कशन में आपको बोला इसको प्रेपोजिशन कंसीडर कीजिए तो इस प्रपोजिशन ने मेंबर्स को ऑब्जेक्ट बना दिया और बोर्ड क्या है मॉडिफायर है एडजेक्टिव का बिहेवियर कर रहा है कैसे मेंबर्स बोर्ड मेंबर्स या विच मेंबर्स बोर्ड मेंबर्स एडजेक्टिव और हिज क्या है तो ये तो है दोनों और इस प्रपोजिशन का यह क्या है ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट क्या है चेयरमैन तो चेयरमैन तो एस यूज करेगा लेकिन यहां पर हम एस नहीं यूज करना है क्वेश्चन की थीम समझो प्लूरल वर्ब को यूज करना है इसका मतलब अब सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि ये तो सिंगलर है तो अब क्या करें यहां ई एन मैन कर दें नो चेयरमैन तो एक ही है अब इसको बोर्ड मेंबर के साथ जोड़ दो तो अब देखो एंड का यूज कर दिए एंड का एंड का यूज कर दिए अब फ्रेंड्स एंड होने से ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्या मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स सभी से एक क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं कि ये एंड जो है इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना देगा क्या तो एंड के आने से भी तो फिर यह हैजी बनेगा सिंगलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो यही रहेगा ये बताओ कि एंड के आने से क्या फर्क पड़ेगा एंड क्या है इसका ग्रामेटिकल लॉजिक कौन बताएगा प्लीज सेंड योर आंसर्स कि यहाँ पर एज वेल एज को कह रहा है कि इसको मत यूज करो एज वेल एज को यूज करोगे तो यहां पर हैज का यूज करना पड़ेगा और कह रहा है कि एंड का यूज करो तो ऐसा क्यों फ्रेंड्स क्या कोई लर्न ऐप पे या यूट्यूब के फ्रेंड्स क्या मुझे कोई ये एक्सप्लेन करेगा कि एंड क्यों करेक्ट है यहां पर चलिए मैं देखता हूं आपके आंसर्स प्लीज सेंड करें प्लीज सेंड योर आंसर्स पी पीडीएफ सेंड कीजिए गुरजन सिंह ने यहां पर गुरजन सिंह ने जो बोला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरजन सिंह का ये कहना है और गुरजन सिंह का आंसर सही है गुरजन सिंह जी ये कह रहे हैं कि यहां पर ये जो देखो फ्रेंड्स एंड कंजंक्शन है समझो एंड कंजंक्शन है और अब आपको थोड़ा सा बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रिपोजिशन एज वेल well एज को यहां प्रिपोजिशन कंसीडर कर रहे हैं तो एज वेल एज अगर प्रेपोजिशन है तो इसको आगे क्या चाहिए ऑब्जेक्ट यह आगे आने वाले नाउन को ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा ऑब्जेक्ट Pronoun, noun, नहीं होते हैं, इसलिए अलग से नहीं बोल रहा हूं हर पर्सन प्लेस एनिमलर करेगा लेकिन फ्रेंड्स एंड कंजंक्शन है और आपको बताया हूं कि कंजंक्शन का मतलब जंक्शन जंक्शन किसका दो सेंटेंसेस का जंक्शन और ये कंपाउंड कंजंक्शन यानी कि ये एंड और बट बट भी क्या है कंजंक्शन है और नॉर ये भी क्या है कंजंक्शन है और ये कंपाउंड इनकी कैटेगरी एक है नॉर ये कंजंक्शन ये कंजंक्शन ये है तो ये क्या है दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं कंजंक्शन है ये आने वाले ऑब्जेक्ट को इनका कोई ऑब्जेक्ट से इनका कोई रिलेशन नहीं है ये सेंटेंस से इनका रिलेशन होता है याद रखना सेंटेंस से रिलेशन होता है फ्रेंड्स अब इस सेंटेंस के अंदर फ्रेंड्स मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं अब देखो जरे आई एंड ऐसे बोलो राम एंड आय राम एंड आय एम गोइंग देयर अब देखो यहां पर यह सेंटेंस राम एंड आय एम गोइंग देयर और आय को अगर कंसिडर करूं तो एम सही है और अगर राम को सब्जेक्ट कंसिडर करें तो एज करेक्ट है राम के साथ एज आई के साथ एम अब मैं क्या करूं यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा ये फ्रेंड्स एंड को तो टीचर ने क्या बोला है कंजंक्शन अगर ये प्रशन होता तो यहां आई क्या बन चुका होता मी ऑब्जेक्ट बन चुका होता आई सब्जेक्टिव केस है और मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है फ्रेंड्स। यहां पर अगर ये प्रोजिशन होता तो ये मी बन जाता लेकिन ये क्या है आई सब्जेक्टिव केस है तो राम एंड आई राम और मैं अब आई को कंसीडर करो तो एम राम को कंसीडर करो तो इज अब क्या करूं मैं? फ्रेंड्स अब देखो असली बात क्या हो रही है राम एंड जो है मैं बता रहा हूं कि कंजंक्शन है तो एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है मुझसे कि आपने कहा कंजंक्शन के पहले सेंटेंस नंबर वन और कंजंक्शन के बाद सेंटेंस नंबर टू तो कंजंक्शन के पहले तो सिर्फ सब्जेक्ट दिख रहा है इसका वर्ब कहां है तो फ्रेंड्स अब बताना चाह रहा हूं कि देखो जैसे मैथ्स में आप करते हो ये देखो ये सेंटेंस ऐसे है राम इज गोइंग देयर एंड आई एम गोइंग देयर ये कंजंक्शन अब दिख रहा है अब देखो एंड फ्रेंड्स अब आपको एंड कैसा दिखा दिखाई दे रहा है अब आपको एंड कैसा महसूस हो रहा है ये कंजंक्शन है ये सेंटेंस नंबर वन और इधर सेंटेंस नंबर टू लेकिन फ्रेंड्स अब यहीं पर जो है गेम चेंज होगा एंड बट आर और नॉट ये कॉमन फैक्टर का यूज करते हैं कॉमन फैक्टर का मतलब कि सेकंड सेंटेंस में जो चीज रिपीट होती है उसको ये क्या कर देते हैं कॉमन कर देते हैं मतलब उसको साइलेंट कर देते हैं और अगर सब्जेक्ट को कॉमन फैक्टर लेना है ये क्या डिपेंड करता है अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉमन फैक्टर है तो बाद में लिखते हैं फर्स्ट में साइलेंट करते हैं और अगर सब्जेक्ट को कॉमन फैक्टर ले रहे हैं तो फिर बाद वाले में साइलेंट करते हैं क्या मतलब है देखो अब यहां पर बी वर्ब है ये बी है और ये भी बी वर्ब है बी है फ्रेंड्स एक बार देखो यहां का सब्जेक्ट राम है यहां का सब्जेक्ट क्या है आई लेकिन गोइंग गोइंग रिपीट हो रहा है और ये बी वर्ब भी रिपीट हो रही है बी के रूप अलग अलग है इस लेकिन है तो ये बी बी ये दोनों बी ही तो है फ्रेंड्स जब ये दोनों बी है और ये गोइंग दर रिपीट हो रहा है तो ये वर्ब है और ये क्या है एडवर्ब जब वर्ब एडवर्ब रिपीट हो रहे हैं इनको हमें साइलेंट करना है अब तो साइलेंट करने में एंड के पहले वाले को रिमूव करूं साइलेंट कर दूं या बाद वाले को कॉमन फैक्टर लेना है अरे जरा एक बार तो देख लो प्लीज ए बी स्क्वायर एक्स प्लस प्लस जेड सी एक्स जेड सी एक्स मैथ्स में आप कॉमन फैक्टर का यूज करते हैं तो एक्स यहां कॉमन फैक्टर ले लें प्लीज तो ये क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस जेड सी और आप ये भी जानते हैं कि एल्जेब्रा में जब कॉमन फैक्टर लेते हैं तो वहां पर फ्रेंड्स ये कॉमन फैक्टर को आप चाहें तो इसको प्रिसीड भी कर सकते हैं आगे फॉलो भी इसको लास्ट में भी यहां भी रख सकते हैं प्लेस दोनों पोजिशन पे तो x जो है कॉमन फैक्टर है इसका मतलब दोनों का फैक्टर है दोनों यूज कर रहे हैं इसको तो एक बार लिख दो दोनों में यूज हो जाएगा अब इसको पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो उसी तरह लैंग्वेज में भी लैंग्वेज में भी जो एंड है एंड को क्या समझ लें फ्रेंड्स एक बार देखो एंड को क्या समझ लो प्लस ये एंड है इसको प्लस मान लो अब यहां पर गो देयर और इज ये गो देअर और इज ये बी है ये भी बी है मतलब एक ही है इनका रूप अलग है इनको भी कॉमन फैक्टर मान लो एक्स मान लो और ये एम गोइंग देर ये भी क्या है एक्स है अब फ्रेंड्स एक्स को क्योंकि ये इनके साथ verb plus adverb है, part predicate part है, तो इनको लास्ट में लिखो और यहां पर X को मतलब last में जैसे जैसे अभी बताया था ना, जैसे AX plus BX, तो इसमें ले लो तो ए प्लस बी को लास्ट में भी तो लिख सकते हो तो यहां एक्स कौन है इज गोइंग और एम गोइंग देयर इज और बी रूप अलग है लेकिन दोनों बी है इसलिए कॉमन फैक्टर ले रहा हूं अब क्या है कि इनको लास्ट में रख दिया तो यहां का जो इज देयर क्या है हट गया लेकिन फ्रेंड्स अब प्रॉब्लम हो गई अग्रीमेंट की क्योंकि ये M है, ये I को सब्जेक्ट कंसीडर कर रही है और अगर यहां इसका यूज करूं तो ये राम को कंसीडर जबकि एंड ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ ऐड करो तो जब ऐड हो रहे हैं तो इस बी भी, भी है और एम बी बी है ये दोनों ऐड हो सकते हैं जैसे एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है टू एक्स तो ये दोनों बी है तो एज और एम को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाते हैं आर अब फ्रेंड्स यहां पर राम एंड आय अब एम और is को ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगी राम एंड आय आर गोइंग इसमें मैंने यह बताया कि यह एंड कंजंक्शन है ये दो सेंटेंस को कॉमन फैक्टर मर्ज किया ऐड किया और कॉमन फैक्टर लेने के वजह से एंड के बाद एंड के पहले आपको सेंटेंस विजिबल नहीं आ रहा है लेकिन यहां पर देखो फ्रेंड्स ये जो पहले सेंटेंस मैंने लिखा था राम इज गोइंग एंड आई एम गोइंग पहले सेंटेंस क्या था राम इज गोइंग देयर राम इज गोइंग देयर प्लीज देखिए राम इज गोइंग देयर एंड i am going there ये सेंटेंस ऐसे था और यहाँ पर is going there क्या है फ्रेंड्स एक बार तो बोल दो is going there ये पूरा क्या है x कॉमन फैक्टर है यहाँ i am going there भी क्या है कॉमन फैक्टर है एक लड़का कह रहा है is और be तो अलग-अलग है नहीं दोनों बी ही हैं दोनों का वैल्यू सेम है लिखने का स्टाइल अलग-अलग है तो फ्रेंड्स अब यहाँ कॉमन फैक्टर जब लिया हमने तो x जो है बाद में लिख दिया और इसको साइलेंट कर दिया लेकिन यहां जो वर्ब है ये जो बी एक वर्ब थी इज और दूसरी थी एम ये भी बी वर्ब है ये भी वी वर्ब है दोनों ऐड कर दो तो इज प्लस एम इज इक्वल टू क्या हो गया आर प्लुरल वर्ब अब यहां पर क्या यूज हो रहा है आर का यूज हो रहा है क्या ये बात समझ में आई फ्रेंड्स कि एंड बट और नॉर कॉमन फैक्टर का यूज करते हैं लेकिन एंड प्लस का सेंस देता है इसलिए वर्ब क्या हो जाती है ऐड हो करके प्लुरल हो जाती हैं फ्रेंड्स प्लूरल हो जाती हैं ये कॉमन फैक्टर निकालना आपको समझ में आ गया क्या फ्रेंड्स तो इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो है ये एंड है ये कंजंक्शन है ये इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा ठीक है अब क्या होगा कि यहां का सब्जेक्ट कौन है मेम्बर्स है और यहाँ का सब्जेक्ट क्या है चेयरमैन है दोनों को ऐड करें तो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा अब वर्ब क्या हो जाएगी प्लूरल हो जाएगी और हैप के साथ ये एग्री हो जाएगा लेकिन तमाम मोमेंट जिस समय आप यहां पर एज वेल एज का यूज कर रहे हैं ये प्रपोजिशन बनकर देखो कितना मजा है ये प्रपोजिशन बनकर इसको ऑब्जेक्ट बना दिए अब सब्जेक्ट के जगह पे क्या है चेयरमैन सिंगलर है अब ये चेयरमैन के साथ यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा हैज लेकिन माइंड यू ये सब सेंटेंस की जो थीम है क्वेश्चन की थीम ऐसी है कि यहाँ इसको चेंज ना करें यहां पर आप कंजंक्शन ऐसा लाएं या प्रेपोजिशन ऐसा लाएं कि ये वर्ब के साथ अग्री हो जाए तो प्रेपोजिशन तो करेगा नहीं प्रेपोजिशन तो इसको ऑब्जेक्ट बना देगा अब हम क्या करेंगे कंजंक्शन लेकिन एक लड़का कह रहा है कि जब ये कंजंक्शन है तो इसके पहले का सेंटेंस कहाँ गया तो बताया कि आ हैव अग्रीड जो है ये कॉमन फैक्टर हुआ है फ्रेंड्स कॉमन फैक्टर के कारण ये अग्रीड टू पास द प्रपोजल ये जो है कॉमन फैक्टर होने के कारण ये x जो है पूरा यहाँ से साइलेंट हो गया यहाँ का x यहाँ पर दिख रहा है अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो जरा एक मिनट मेरे को टाइम दीजिए अगर इसको मैं एक्सपेंड करके देखूं लिखूं तो द दे, चेयरमैन देखो द चेयरमैन हैज अग्रीड द चेयरमैन हैज अग्रीड टू पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दू फिर एंड का यूज करो एंड बोर्ड मेंबर्स एंड हिज बोर्ड मेंबर्स अब यहां पर क्या होगा हैव अग्रीड टू ये पूरा इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की क्या जरूरत है फ्रेंड्स ये जो एंड वर्ड है फ्रेंड्स एंड जो कंजंक्शन है ये कॉमन फैक्टर ले लेता है मतलब अब यहां वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये सब है तो हैज अग्रीड टू ये पूरा पार्ट एक्स है इसको यहां पे साइलेंट कर दो और लास्ट में एक्स लिख दो अब बस एंड जो है इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को एड कर रहा है इसलिए यहां पर वर्ब क्या है प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है क्या मैं ये बात बताने में कामयाब रहा फ्रेंड्स क्या आप इस बात को समझ गए कि ये जो एंड कॉमन फैक्टर लेता है क्या कॉमन फैक्टर की स्टोरी आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स अगर समझ में आ गई तो आप इस सेंटेंस को देखो इस सेंटेंस को यहाँ पर द यहाँ भी यूज करो द टाइगर द का यूज करें आप प्लीज़ द टाइगर द टाइग्रेस हैज़ ग्रॉन अब यहाँ पर क्या यूज करें तो सेंटेंस की थीम समझो यहां हैज को ही कंसीडर करो तो हैज एस वर्ब है सिंगलर सब्जेक्ट इसको चाहिए तो सिंगलर सब्जेक्ट चाहिए इसका मतलब कि मैं यहां पर एंड यूज कर दू नहीं अगर एंड यूज करोगे तो ये दोनों सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे फिर वर्ब अलॉन्ग विध प्रिजिशन है अब इस प्रेपोजिशन ने टाइगर को ऑब्जेक्ट बना दिया अब सब्जेक्ट क्या है सिंगलर है ऑन द हंट शिकार पर शिकार पर। तो मैं जरा शिकारेंट से बोले लूं, उनके व्यूज फ्रेंड्स ये जो कॉमन फैक्टर का मैटर था ये नाइन और टेन सेंटेंस आपने इस... प्रमोद कुमार का आंसर आ गया ए एक्स प्लस ए वाई हाँ ए कॉमन ले लो यस 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 ए ए कॉमन ले लो तो ए लास्ट में भी आ सकता है पहले भी आ सकता है एंड दोनों सेंटेंस का कॉमन फैक्टर कर देते हैं तो दोनों सेंटेंस का कॉमन फैक्टर करो तो भी तो वही होगा ना यार आकाश या तो एक्स को कॉमन मानो या एक को मानो उसमें क्या करना है प्रमोद कुमार सैनी समझ में आ गया ओके समझ आ गया ओके रूपेश मिश्रा सरोज आकाश ठीक है ओके फ्रेंड्स टेन को फिर से समझाना है प्रमोद कुमार सैनी को ओके अपनी प्रॉब्लम लिखो प्रमोद कुमार क्या प्रॉब्लम है प्रमोद कुमार यस सर आ गया समझ में सभी स्टूडेंट्स को यहां पे टेन नंबर सेंटेंस अगर तुम्हें समझ में आता तो टेन भी समझ में आ गया होता इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया प्रमोद कुमार सैनी यहां पर में तो हैज सिंगलर वर्ब है तो सिंगलर वर्ब का मतलब कि यहां पर टाइगर और टाइग्रेस दोनों को कंसीडर करेंगे तो हैब आ जाएगा सिंपल बात है कि अगर यहां पे एंड यूज कर दूंगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहां प्लूरल हैब हो जाएगा मुझे तो यहां पर दिया गया है कि आप सिंगलर वर्ब कंसीडर करो तो ये हैज के अनुसार सिर्फ टाइगर ही सब्जेक्ट रहेगा तो द टाइगर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रमोद कुमार सैनी मुझे प्रपोजिशन प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा अलोंग विथ का यूज करना पड़ेगा ये प्रपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दिया अब सब्जेक्ट क्या है सिंगलर है इसलिए हैज गॉन का यूज हो रहा है किसी और को प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब था फ्रेंड्स हैव था तो प्लूरल वर्ब से ये पता चल गया कि चेयरमैन सिंगलर है और वर्ब प्लूरल यूज हो रहा है इससे इशारा समझ लो कि एज वेल एज को तो प्रेपोजिशन कंसीडर कर रहे थे इसलिए एंड को यूज करेंगे एंड एक ऐसा कंजंक्शन है कि ये ऐड करता है क्या करता है वर्ब को ऐड करता है सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर देता है एड कर देता और कॉमन फैक्टर लेता है तो एंड कंजंक्शन क्या करता है सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड करता है और कॉमन फैक्टर यानी कि जो चीजें रिपीट होती है ना एक साइड से उनको साइलेंट कर देता है तो एंड कंजंक्शन का क्या खासियत देखा एंड के क्या रोल है कि एंड कंजंक्शन जो है ये सब्जेक्ट subject, सब्जेक्ट्स को एंड सब्जेक्ट को ऐड करता है और फिर वर्ब्स को भी ऐड कर देता है इसीलिए प्लूरल यूज करता है और कॉमन फैक्टर रिपीटेड वर्ड्स को कॉमन फैक्टर बना देता है रिपीटेड रिपीटेड वर्ड्स को कॉमन फैक्टर कंसीडर करता है रिपीटेड वर्ड्स कॉमन फैक्टर कर देता है सब्जेक्ट्स को ऐड कर देता है वर्ब्स को भी ऐड कर देता है इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज कर रहा है यहां पे ये एंड कंजंक्शन बस ये रखना सब्जेक्ट को ऐड कर रहा है आपस में वर्ब को ऐड कर रहा है आपस में और रिपीटेड वर्ड्स को कॉमन फैक्टर ओके फ्रेंड्स तो यहां मैं ये यह कहना चाह रहा हूं यहां द का यूज करें यहां पर प्लूरल वर्ब है साफ साफ देख रहा है प्लूरल वर्ब है इसका मतलब चेयरमैन को प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा मेंबर्स के साथ ऐड कर दो इसको और यहां पर ये सिंगलर वर्ब का यूज करना इसका मतलब है कि टाइग्रेस को इसमें ऐड मत करो तो ऐड ना करने के लिए एंड का यूज मत करो क्योंकि प्रजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना देता है और ये इसको बोलो प्रबोध कुमार सैनी को ये टॉपिक ही नहीं ध्यान दे रहा है कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है अगर वर्ब हमें फोर्स किया जा रहा है सेंटेंस की थीम में कि आपको सिंगुलर वर्ब ही रखना है तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज होगा और अगर यहां पर हैब होता फ्रेंड्स तो ये प्लूरल वर्ब हो गई इसका मतलब टाइगर और टाइग्रेस दोनों को क्या कर दो एंड कर दो ये एंड जो ये है ये कंजंक्शन है यहां पर दो सेंटेंस थे लेकिन जो रिपीटेड चीज है यहाँ से साइलेंट हो गई है तो हमें लग रहा है कि ये एंड अब ग्रामर की बुक में क्या देगा एंड दो सब्जेक्ट दो वर्ड्स को ऐड करता है इससे क्या बहुत ही आपको भ्रामक स्थिति पैदा हो जाएगी कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आप सीधे सीधे एंड को कंजंक्शन मानो और कॉमन फैक्टर कर देने से लगता है कि ये दो वर्ड्स को ऐड कर रहा है ऐसी गलती मत करना ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है कॉमन फैक्टर हो गया इसलिए लगता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऐड कर रहा है ऐसी बात नहीं है ये दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है कब अगर यहाँ पर है था तब तो यहाँ तो भैया हैज सिंगुलर वर्ब है इसलिए यहाँ पर अलोंग विद का यूज किया गया अलोंग विद सही है ये गलत है यहां पर प्लूरल वर्ब है एंड ने चेयरमैन और बोर्ड को ऐड कर दिया वर्ब भी प्लूरल सब्जेक्ट भी प्लूरल फ्रेंड्स अब जो है मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता हूं और मैंने स्किप किया था इस स्लाइड को आज इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सेंटेंस की थीम समझो प्रबोध कुमार सैनी थीम समझो यहां पर क्या है कि ये ऑप्शनल ये है इसका मतलब कि यहां पर एम गोइंग आर गोइंग इज गोइंग ये तो चेंज हो सकते हैं लेकिन इस ऑप्शन से पहले के ये जो पार्ट है ये चेंजेबल नहीं है सेंटेंस की थीम समझ प्रमोद कुमार सैनी ये जो है ए के राइट right साइड वाले पार्ट चेंजेबल हैं लेकिन ये चेंजेबल नहीं पार्ट है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये पार्ट चेंज नहीं करना है अब यहां पर आई का यूज कर रहा है एज वेल एज के बाद अब मैं अपने स्टूडेंट से ये पूछ रहा हूं कि अभी तक जितना आपके साथ डिस्कशन किया है मैंने तो एज वेल एज आई और एक है एज वेल एज me आप सभी रिप्लाई सेंड करें कि अभी तक जो नॉलेज लॉजिक के साथ चैट बॉक्स में राइट करें कि एज वेल एज आई करेक्ट है या एज वेल एज मी करेक्ट है सो फॉर वट एवर थिंग्स आई हैव टॉट यू उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू यू हैव टू रिप्लाई दिस ओके यू हैव टू सेंड योर रिप्लाई अकॉर्डिंग टू क्या देखो लव उपाध्याय कह रहे हैं हेलो सर हाँ लव उपाध्याय जी हेलो नमस्कार लव उपाध्याय जी मैं अभी न्यू हूँ आज तो आप कहाँ से आए हैं जरा बताइए लव उपाध्याय जी आप कहाँ से आए हैं कब आए हैं किस बैच के हैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दीजिए लव उपाध्याय जी किस बैच में आपने कौन सा ज्वाइन किया है भारत मीना लव उपाध्याय जी थोड़ा सेंड करो चलो प्रमोद कुमार समझ गया प्रमोद अब भारत मीना एज वेल एज मी लिख रहे हैं और लोग देखते हैं क्या लिखते हैं चलो कम ऑन स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन चलो एज वेल एज मी रुपेश मिश्रा एज वेल एज मी पूजा चौधरी एज वेल एज मी राइट है भारत मीना सभी लोग यही लिख रहे हैं प्रमोद कुमार सैनी एज वेल एज मी यहां पर लव उपाध्याय के लिए जरा एक मिनट नंबर जरा आप नंबर बोलिए तो वी का जो इंक्वायरी नंबर है सेंड कीजिए हाँ एट नाइन डबल फाइव टू थ्री टू थ्री सिक्स टू लव चलो लव उपाध्याय जी पहले इसको मुझे लगता है एट नाइन डबल फाइव टू थ्री टू थ्री सिक्स टू आप इसको जो है ये नंबर लें और इसको सेंड कीजिए ये आप जो है फ़ोन करिएगा इस पर और पहले मुझे बता दीजिए आप किस बैच के हैं कैसे मुझे लगता है आप न्यू बैच के हैं मुझे लगता है आप सिक्स टू सेवन बैच के हैं और आपको थोड़ा सा आप मेरे से बताना फिर आपको मैं गाइड करूँगा इस्क्रोल अप प्लीज स्क्रोल अप, अप। प्रमोद कुमार ने लिख दिया आकाश सैनी ने भी लिख दिया है ओके फ्रेंड्स चलिए तो सबका अब मैं बताना चाहता हूँ यहां पर एज वेल एज अभी तक के जो डिस्कशन में टीचर ने आपको बताया था कि ये प्रेपोजिशन है तो आई तो सब्जेक्टिव केस है ये आई को किस में चेंज कर देगा मी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देगा फ्रेंड्स याद रखना ऐसे मी अभी तक के डिस्कशन में ओके एक बार स्क्रॉल अप करें प्लीज अप करिए देखिए क्या है लब उपाध्याय इस पर पूछ लेना किस बैच के हो क्या हो तब मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी प्रॉब्लम वैसे ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा चले। सरोज ने लिखा है मी एंड माय फ्रेंड्स गोइंग टू द मार्केट ये देखो सर मी एंड माय फ्रेंड्स मी एंड माय फ्रेंड्स ऐसे कह रही है और आर गोइंग टू द मार्केट गोइंग टू द मार्केट फ्रेंड्स आप जहां जहां तक जा रहे हैं आप ही बताओ कि ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे कभी ऑब्जेक्ट का यूज होता है क्या इनफॉर्मल इंग्लिश में आई की जगह मी यूज कर देते हैं वो तो इनफॉर्मल है सड़क छाप इंग्लिश को इनफॉर्मल इंग्लिश समझो ये सड़क छाप इंग्लिश मी एंड माय फ्रेंड्स ये रॉन्ग है यहां पर आई हो सकता है आई एंड माई फ्रेंड्स लेकिन ये भी रॉन्ग है इस टॉपिक में इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि टू थ्री वन रूल होता है पहले अगर थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है तो टू थ्री वन ये रैंक है लिखने की तो ऐसे होगा माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स एंड आई ऐसे अब यहां एंड आ गया तो फ्रेंड्स और आई दोनों को ऐड कर दो तो यहां पर प्लूरल वर्ब आर गोइंग सरोज लिखो इसको गोइंग टू द मार्केट ये है तुम्हारा सेंटेंस लिखो तो ये गलत है सेंटेंस माय फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट ऐसे होगा आकाश सैनी ने बोल दिया था इनकरेक्ट है नोट इट डाउन प्लीज एक स्टूडेंट ने टाइप किया था तो मी एंड माय फ्रेंड्स तो मैंने कहा वो रॉन्ग है अब चलिए फ्रेंड्स आइए वापस चलते हैं फ्रेंड्स प्लीज लुक एट दिस सेंटेंस यहां पर आप सब जानते हैं कि एज वेल एज के साथ मी का क्योंकि एज वेल एज को प्रोजिशन बताया मैंने तो आई को ये मी बना देगा लेकिन यहां सेंटेंस की थीम ऐसी थी है कि हमें फोर्स कर रहा है सेंटेंस कि इसको चेंज ही नहीं करना है ए, इधर पार्ट को चेंज ही नहीं करना है चेंज आपको यहां करना है यह तो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए ये इंप्रूवमेंट इधर नहीं करना है इधर इंप्रूवमेंट करना है ये, ये अब इस केस में हमें फोर्स किया गया कि एज वेल एज को हम क्या कहें कंजंक्शन एक लड़का मेरे पे गुस्सा हो रहा है कि ऐसे कैसे कभी कंजंक्शन कभी फ्रेंड्स ये जो एज वर्ड है एज को देखो एज को देखो आप पहले कंप्यूटर जी डिक्शनरी के अंदर एज वर्ड को डिस्प्ले किया जाए प्लीज देखो एज प्रपोजिशन भी है एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है लेकिन अभी इस टॉपिक में हमें एडवर्ब की नीड नहीं है अभी हमें प्रपोजिशन और कंजंक्शन इसका मतलब कि जब ये प्रपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेगा देखो जब ये प्रपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेगा कोई ध्यान नहीं दे रहा है ये देखो एज अ फ्रेंड ये एज अ फ्रेंड एज अ कंप्यूटर एज अ पैकेज ये क्या है ये प्रपोजिशन बना रहा है और एज अ शॉक एज एज अ चाइल्ड क्या है ऑब्जेक्ट चाहिए अब जब ये एज कंजंक्शन है तो अब देखना ये सेंटेंस का यूज करेगा एज शी गॉट रेडी कोई ध्यान नहीं दे रहा है एज कंजंक्शन हो गया क्योंकि इसके बाद देखो सब्जेक्ट वर्ब ये एडजेक्टिव ये लिंकिंग वर्ब है है ये एडजेक्टिव पूरा एक सेंटेंस इसके पहले भी एक सेंटेंस अब देखो एक कंजंक्शन की तरह रोल प्ले कर रहा है अब ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर देखो शी गेंड अब एज शी ग्रू देखो एज कंजंक्शन है शी ग्रू और आपको बताते हुए खुशी हो रही है ये रिलेटिव क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज है ये लोग जो है सेंटेंस मेन सेंटेंस के बिगनिंग में भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं इस बात को लेकर के आप कंफ्यूज ना होना क्लॉजेस फ्रेजेस कुछ लोगों को इस बैच के जो 1130 बैच था 530 बैच को क्लॉजेस फ्रेजेस टीच किया है ये एडवर्ब क्लॉज है बिगनिंग में भी आ सकता है एंड में भी आ सकता है और जो 530 थर्टी मॉर्निंग का जो एलेवन का बैच है उसको मैं क्लॉजेस फ्रेजेज अभी टीच करूँगा ओके फ्रेंड्स तो आइए ये लाइव स्ट्रीमिंग की क्लास कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के काम आएगी और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के लिए वी का ऐप काम आएगा ओके फ्रेंड्स तो यहां पर आ जाइए ये हमें फोर्स किया है कि एज वेल एज में ये एज क्या कंज, इसको कंजंक्शन में कंसीडर करूं जब ये कंजंक्शन कंसीडर कर लिया इसको तो अब ये एज वेल एज कंजंक्शन कंसीडर कर लिया तो अब इस ये इसको क्या मान रहा है एक नया सेंटेंस इसमें दो सेंटेंस है जैसे राम इज गोइंग देयर एज वेल एज आई एम गोइंग देयर ये ऐसे सेंटेंस है राम इज गोइंग देयर एज वेल एज आई एम गोइंग देयर ऐसा सेंटेंस देखो राम इज गोइंग देयर प्रमोद कुमार जी देखिए राम इज गोइंग देयर और यहां पर है एज वेल एज आई एम गोइंग देयर ऐसे फ्रेंड्स ये जो एज वेल एज को फोर्स किया जा रहा है कि मैं इसको कंसीडर कंजंक्शन कंसीडर करूं तो ये एंड को एम्फेसाइज करेगा एंड की तरह बिहेव करेगा और एंड की तरह ही कॉमन फैक्टर लेगा ये ये अब एंड हो गया तो पर going there, going there, एक बार तो देख लो प्रमोद ये देयर क्या है एक्स है गोइंग देयर क्या है एक्स है और ये बी है बी है तो ये भी एक ही चीज है तो पूरे एक्स में ही इनको कंसीडर करो अब यहां पर ये लास्ट वाला एक्स मतलब ये एक्स है तो जैसे ए एक्स जैसे आपने लिखा ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स को कॉमन लिख लो इसको मैं लास्ट में लिख रहा हूं क्योंकि सेंटेंस में ये प्रेडिकेट पार्ट है मतलब वर्ब प्लस एडवर्ब बाद में तो इसको एक्स को यहां रखो और यहाँ से साइलेंट कर दो ये यह यहाँ से साइलेंट होगा अब ये एंड की तरह जब बिहेव कर रहा है तो ये एड कर रहा है राम और आई को एड कर रहा है तो ये एम है राम ने इज का यूज किया ये बी है और आई ने एम का यूज किया ये भी बी है तो जैसे आप जानते हैं एक्स प्लस एक्स ये ऐड नहीं हो सकते ये टू एक्स स्क्वायर नहीं हो सकते लेकिन अगर एक्स प्लस एक्स होता तो ये क्या होता टू एक्स उसी तरह ये भी बी है ये भी बी है दोनों सेम है सजाती हैं तो ये बी और बी ये जुड़ेंगे तो ये प्लूरल वर्ब क्या हो जाएंगे आर अब यहां पर क्या हो गया आर तो ये ऐसे हो गया राम एज वेल well एज आई आर गोइंग देयर मुझे फोर्स किया गया कि आई का यूज करना है उसके कारण अब हमें मजबूर होना पड़ा क्योंकि तो तो भी होता है, तो फिर ये ये हो गया, एंड की तरफ करेगा। अब ये जो है कॉमन फैक्टर भी कर रहा है और एड भी कर रहा है कि आप समझ गए फ्रेंड्स ये तो अब मैं एक लड़का कह रहा है कि फिर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एज वेल एज को हम क्या कंसिडर करें फ्रेंड्स आप एज वेल एज को जब तक सेंटेंस में आपकी थीम आपको मजबूर ना कर दे आप इसको प्रपोजिशन ही कंसीडर करेंगे 99% केस में और कंजंक्शन तभी करने जब तक कि सेंटेंस आपको फोर्स ना करे कि इसको कंसीडर कंजंक्शन कंसीडर कीजिए तब तक आप इसको जब तक फोर्स ना करे तो आप इसको प्रेपोजिशन ही कंसीडर करें फोर्स करें अब एक लड़का कह है कैसे फोर्स फोर्स ऐसे सेंटेंस की थीम ऐसी बना दिया कि ये चेंज नहीं करना है मतलब आई को चेंज नहीं करना है तो इशारा समझ लो कि जो इस समझदार स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ गई बात कि यहां पर आई को चेंज नहीं करना है तो हमें समझ में आ गया कि ये अब कंजंक्शन रहेगा एंड की तरह कॉमन फैक्टर भी करेगा एड भी करेगा ओके फ्रेंड्स अब देखो यहां पर मैं आ गया ऑब्जेक्ट अब मैं समझ गया ये प्रेपोजिशन नाइनटी नाइन परसेंट यही होता है ये ऑब्जेक्ट अब यहां पर प्रमोद कुमार ये इस टॉपिक में आप पढ़ रहे हो कि इस वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ होगा ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा दस बार बोल रहा हूं कि वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करते हैं इसीलिए इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रमोद कुमार सैनी जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे गुण मिलाए जाएंगे तो गुण किससे मिलाए जाएंगे सब्जेक्ट के ये ये वर्ब है ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सब्जेक्ट पति है और वर्ब उसकी पत्नी है शादी से पहले उनके गुण नहीं मिलाओगे तो टूट जाएगी वैसे ही अगर सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट नहीं कराओगे तो सेंटेंस बिखर जाएगा बिखर जाएगा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स गलत हो जाएगा इसलिए यहां पर अब देखो वर्ब का एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से नहीं कराया जाता है सब्जेक्ट से कराया जाता है इसी बात को इसी आंदोलन को इसी कॉन्सेप्ट को इसी थीम को लेकर एक घंटे से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं कि यहां पर यह प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन ने इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर दिया इसका मतलब है कि वर्ब मी से नहीं सिर्फ राम से क्या करेगी अग्री राम सिंगलर है यहां पर इजारा है लेकिन यहां पर हमें फोर्स कर दिया आई का यूज कर दिया इसका मतलब एज वेल एज अब एंड की तरफ बिहेव कर रहा कर रहा है अब ये ऐड करेगा उस केस में एम नहीं आर का यूज होगा यहाँ ए और सी रॉन्ग है यहाँ पर आर लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है जहाँ सेंटेंस की थीम ने हमें फोर्स किया बी आंसर करूँ ज्यादातर एज वेल एज प्रपोजिशन बनकर ही एग्जाम में आते हैं और ये ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट इस सभी सभा में ये देखो सेंटेंस राम प्लेज एज वेल एज आई डू राम प्लेज एज वेल एज आई डू फ्रेंड्स इस सेंटेंस के बारे में ये सेंटेंस अगर राइट है तो राइट डॉट टाइप कीजिए और लॉजिक दीजिए अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग टाइप कीजिए और लॉजिक दीजिए मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स मेरे लिवो लर्न के स्टूडेंट्स यही तो मजा है राम प्ले, प्ले, प्लेस एज वेल एज आई डू अब इस सेंटेंस में पहले सेंस करो प्रमोद कुमार पहले सेंस करो सेंटेंस को फिर गो फॉर द आंसर टाइम नहीं है मेरे पास आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम बट गेट I give you some time, some second space. Come on. Ram plays as well as I do. चलिए replies देखते हैं। But thank you so much, sir। चलो नमस्ते हाँ। चलो चलो प्रमोद send करो सिर्फ प्रमोद send करो। सेंड करो अपने रिप्लाई सिर्फ प्रमोद नहीं सभी लोग सेंड करें। जल्दी करो प्लीज यस, रॉन्ग रॉन्ग किसका आंसर है रॉन्ग सेंड करो रुपेश मिश्रा राइट वैसे ही जैसे कि सेंटेंस देगा राइट है वैसे ही जैसे कि सेंटेंस देगा ओके राम प्लेज एज आई डू भरत मीना इसको सही कह रहे हैं आकाश सैनी सही कह रहे हैं और प्रमोद कुमार इसको क्या कह रहे हैं सीता मीना रॉन्ग कह रहे हैं फ्रेंड्स अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको जहां जहां तक आवाज जा, जा, जा रही है प्लीज शायद सेंटेंस यही था ना राम प्लेस एज वेल राम की जगह कुछ भी लिख दू उस पर मत जाना राम प्लेस एज वेल एज आई डू यहां पर ये जो हमारे रुपेश मिश्रा जी हैं वो समझ गए थे कि राम खेलता है कैसा खेलता है वेल well, अच्छी तरह से खेलता है ये वेल well जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर अच्छी तरह का सेंस दे रहा है अच्छी तरह खेलता है और कितना अच्छी तरह तो फर्स्ट एज का मतलब है उतना अच्छी तरह और सेकंड का मतलब है जितना की ये सेकंड जो एज है ये कंजंक्शन है और फर्स्ट एज ये क्या है एडवर्ब है उतना अच्छी तरह हाउ वेल well? एज वेल एज आई डू ये डू जो है वर्ब प्ले है ये प्ले को रिपीट करने से बचाने के लिए डू का यूज किया गया है तो यह सेंटेंस करेक्ट है राम खेलता है कैसा उतना अच्छी तरह खेलता है जितना की मैं खेलता हूं जितना की मैं डू का मतलब खेलता हूं प्ले है फ्रेंड्स ये सेंटेंस करेक्ट है यहां एज वेल एज तो जब प्रेपोजिशन था एज वेल एज ये पूरे मिलकर एक सिंगल सेंस दे रहे थे ये था, ये फ्रेज फ्रेज था था जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर मर्ज होकर एक सिंगल सेंस देने लगे तो वहां ये जब प्रेपोजिशन था और जब ये कंजंक्शन था तो फ्रेज था लेकिन यहां ये अलग अलग वर्ड हैं तीन अलग अलग रोल सेंस दे रहे हैं ये अच्छी तरह का सेंस ये उतना का सेंस ये जितना की कंजंक्शन ये एडवर्ब ये कंजंक्शन ये एडवर्ब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये कंजंक्शन है फ्रेंड्स ये सीखने के लिए आए थे इस तरह से आज इतना है और लव आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं लव जी अपने डिस्ट्रिक्ट राइट टाइप कीजिए जल्दी प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट टाइप कीजिए आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं चलिए स्क्रोल अप किया जाए प्लीज स्क्रोल अप फ्रेंड्स so ये टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग है और इजी भी है जितना बहुत ही एक्साइटिंग और इजी भी है ओके राइटर एज वेल एज कंजंक्शन है एज वेल एज कंजंक्शन नहीं है एडवर्ब ऑफ माइनर है एज एडवर्ब ऑफ डिग्री है तीनों का सेंस अलग अलग है प्रमोद तीनों का सेंस अलग अलग है उतना अच्छी तरह जितना की इसके पहले जो एज वेल एज था वो मर्ज होकर या तो एंड बन रहा था ये देखो ये एज वेल एज कोई ध्यान नहीं दे रहा है जब ये प्रपोजिशन था तो ये बिसाइड्स का सेंस दे रहा प्लस करने का सेंस दे रहा था और जब ये एज वेल एज कंजंक्शन था एक बार तो समझ लो तो ये एंड का यूज दे रहा था यहां पर ये फ्रेज था ये पूरे दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर थ्री वर्ड्स मिलकर एक वर्ड एंड की तरह बन गए और ये एक वर्ड बिसाइड्स के तरह बन गए ये प्रपोजिशन है तीनों मिलकर एक सिंगल वर्ड की तरह बिहेव कर रहे एक बार तो समझ लो लेकिन यहाँ पर जो था एज वेल well, उतना अच्छी ये उतना का सेंस दे रहा था वेल well, अच्छी तरह का सेंस दे रहा था और ये सेकंड एज जितना की का सेंस दे रहा था यानी कि तीनों वर्ड अपना अलग, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं ये फ्रेज वगैरह नहीं थे मीनिंग भी चेंज हो गई आज जितना ही कल फिर मिलते हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है इसको डोंट मिस अ सिंगल क्लास प्लीज थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर ऑफ योर गॉड ब्लेस यू